हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉट वाला मैफा। एंड देखो, इस माय सब्सक्राइबर टोल्ड मी टू कस्टम गियर के बारे में एक्सप्लेन डिटेल बनाएगा, तो मेरे से जितना हो सके उतना एक्सप्लेन डिटेल करूंगा। ओके, मुझे लास्ट वीक में मुझे रेज मिला, उसे मैं पहला बराबर प्रॉक कर लेता हूं। देखो, नॉर्मली मुझे नीचे देखने का इंक्रीज 0.5 है, लेकिन मैक्स टैट 0.9% आने का, तो उसे देख के मैं चेंज कर रहा हूं। एंड दो बार ट्राई किया, मुझे नहीं मिला, और एक बार ट्राई करता हूं 0.9। ओके, देखो सेम ऊपर क्रिप्टेड रॉज थोड़ा छोड़ दो, नीचे वाला देखो 0.9% पर वन डैमेज। ओके, रेज का प्रॉक में बराबर कर लिया दोस्तों। दिस इज द वे टू क्रिएट परफेक्ट रेज प्रॉक। कुछ लोग रेज मिल जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, बराबर इक्विप कर लेते हैं, लेकिन उसमें बराबर प्रॉक भी आने का। चलो गाइस, चलो अभी मैं जितना हो सके उतना सिंपल को आपने एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा। एंड देखो, पहला कस्टम गियर पहला स्टैट्स देखना पड़ेगा। पहले मैं नॉर्मली 3 स्टार को 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार तक करना पड़ेगा। पहला क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल रेट, इग्नोर डॉज, गार्ड ब्रेक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला हम लोग को ये चारों चीज़ देखना पड़ेगा कोई भी प्रॉक में। एक तो क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल रेट, इग्नोर डॉज एंड गार्ड ब्रेक, ये चारों स्टैट्स रहने का फर्स्ट। उसके बाद प्रॉक दो टाइप का रहता है, एक तो एक ही स्किल में डैमेज होगा वो वाला प्रॉक, और अभी रिसेंटली रिलीज हुआ मिनी CTP रेज वर्जन। तो ओके, देखो पहला इग्नोर डॉज, पहला स्टैट देखने का, वो 3 स्टार हो सकता है, 4 स्टार हो सकता है, वो प्रॉक को एडवांस करना पड़ेगा। अभी मैं कितना 5 स्टार कर दिया, ओके वाई, और उसके बाद 6 स्टार करूँगा। दिस इज द फर्स्ट वे, तो फ्री टू प्लेयर न्यू प्लेयर के लिए दिस इज अ गाइड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइड। तो देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हो गया, अभी 6 स्टार मुझे हो गया, जो प्रॉक किया वो 6 स्टार हो गया। अभी उसको मैं क्या करूँगा, बराबर प्रॉक में लाने का। अभी देखो इग्नोर डॉज है, लेकिन नीचे प्रॉक बराबर नहीं आया। पहला इग्नोर डॉज देख लिए, उसके बाद नीचे देखने का बराबर प्रॉक आने का। कौन सा बराबर प्रॉक है, एक तो इंक्रीज बेसिक डैमेज टू 200% ऑन ओनली वन स्किल। अभी देखो मिनी रेज जिसे बोलेंगे, इंक्रीज बेसिक डैमेज 0.1 पर 1 सेकंड, डॉज रेट रिगार्डलेस ऑफ गारंटीड रेज बेसिस। ओके, इट्स अ मिनी रेज वर्जन। ओके, इसमें आपको दिख रहा है ना क्रिटिकल डैमेज मेरे पास ऑलरेडी है, मैं प्रॉक करके रखा हूँ। एंड मैं और एक प्रॉक दिखा देता हूँ, इट्स अ कोल्ड। एंड देखो, इंक्रीज बेसिक डैमेज फॉर वन अटैक ओनली, इंक्रीज बेसिक डैमेज 200%, 180%, 160, 140, 120 रहेगा, ओनली वन अटैक। एक ही स्किल में 200% रहेगा, लेकिन मिनी रेज वर्जन में ऐसा नहीं रहेगा, उसमें आप कोई भी स्किल स्पैम कर सकते हैं। कंटिन्यूस 5 सेकंड प्रॉक रहेगा, लेकिन इसमें एक ही स्किल एक ही एट द टाइम स्पैम होगा, उसके बाद कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो 3, 4, 5 में प्रॉक हुआ तो 200%, 4 दबाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, वही मिनी रेंज में ऐसा कैंसिल नहीं होगा, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड कुछ लोगों को कन्फ्यूज होगा, लेकिन मैं जितना हो सके, एंड कुछ कैरेक्टर लिमिटेड कैरेक्टर के लिए लाइटनिंग डैमेज, कोल्ड डैमेज, पॉइजन डैमेज, माइंड डैमेज, फायर डैमेज करके भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि। लेकिन नॉर्मली मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैट्स क्रिप्ट डैमेज, क्रिटिकल रेट। लाइक अभी मैं बता दूँ, लिमिटेड कैरेक्टर लूनस लो को आप लोग कोल्ड डैमेज देख सकते हो, तौर के लिए लाइटनिंग डैमेज दे सकते हो, शैडो सेल के लिए पॉइजन डैमेज दे सकते हो, ह्यूमन टॉर्च के लिए फायर डैमेज दे सकते हो, मफिस्टो के लिए फायर डैमेज दे सकते हो, जिसके बाद CTP ऑफ रेज, बड़ा बड़ा CTP नहीं है तो देख सकते हो। पहला डैमेज देखना पड़ेगा, क्रिटिकल रेट, क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल, तो ऐसा स्टैट्स देखना पड़ेगा। उसके बाद बराबर प्रॉक में लाने का है, तो इसमें से मैं दिखाता हूँ। देखो मिनी रेज वर्जन, ये सब मिनी रेज वर्जन है। इंक्रीज बेसिक डैमेज 1% पर 1 क्रिटिकल रेट रिगार्डलेस ऑफ क्रिटिकल डैमेज, वैसे ही आने का क्रिटिकल रेट, क्रिटिकल डैमेज, दोनों में से कोई भी रहेगा चलेगा, बट दिस इज द मिनी रेज प्रॉक। एंड और एक प्रॉक है, उसे बोलेंगे एक ही स्किल में प्रॉक होगा, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ही स्किल में। लाइक देखो, इंक्रीज बेसिक डैमेज 200% फॉर ओनली वन अटैक, एक ही स्किल एक ही अटैक में आपको वो अफेक्ट रहेगा, तो वो चीज़ ध्यान में रखो। ओके, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ लोग बोलेंगे कुछ 200 ही नहीं आएगा, कुछ लोग 160 आ सकते हैं, 180 आ सकते हैं, 120, 100 कुछ भी आ सकता है, लेकिन मेन थिंग एक ही स्किल में रहेगा। एंड उसके बाद बहुत सारा इफेक्ट्स है, रिजिस्ट रहेगा, वो सब मत लो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें स्क्रीन में दिखा है ना, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रॉक, क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल रेट, इग्नोर डॉज, गार्ड ब्रेक। एंड कुछ एक्सपेंशनल कैरेक्टर, मतलब कुछ सभी कैरेक्टर का अप्लाई नहीं होगा, कुछ कैरेक्टर में लाइटनिंग डैमेज, कोल्ड डैमेज, पॉइजन डैमेज, माइंड डैमेज, प्रोफेसर एक्स के लिए माइंड डैमेज, तो ऐसा स्टैट्स रहेगा तो चलेगा। दिस इज द बेस्ट वे टू एक प्रॉक, मतलब एक कस्टम गियर बोल सकते हैं, उसे अप्लाई एक एक कैरेक्टर में अप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक आई होप एक्सप्लेन यू ऑल परफेक्ट। ओके गाइस, दिस इज द बेस्ट वे टू, मैं आपको गेम प्ले भी दिखाऊंगा, नॉर्मल 200 प्रॉक एंड मिनी रेज का डिफरेंस क्या है। तो मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।